जी भी दोस्तों, की हाल चाल है। तो उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो ये वाला व्लॉग भी हिंदी में बन रहा है, क्योंकि जो हम आपको दिखाने वाले हैं आज, ये हमारे दूसरे भाई लोगों को भी जरूरत रहती है इस चीज की इंफॉर्मेशन मिलने के लिए। तो मैं इस टाइम खड़ा हूँ मंडी डब वाली जीप डॉक्टर के पास। सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया। तो वैसे आपने अभी तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी, जिन लोगों ने हमारे ब्लॉग्स कंटिन्यूसली देख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने सूर्य कुमार यादव को भी अभी एक निशान वंटन जो है तैयार करके दिया था, ठीक है? तो ग्रीन कलर का था वो? हाँ जी, पैरट ग्रीन, पैरट ग्रीन कलर का था। आप लोगों ने ब्लॉग अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना। और किसी की भी कोई इंक्वायरी हो, हमारे पीछे खड़ा है निशान वंटन, लो बॉडीज को हम लोग बोलते हैं, कस्टम करके इसको बनाते हैं हम लोग। पहले किसी और चीज़ पे बनता था, अभी किसी और पे बनने लग गया, वो भाई बताएंगे। तो हम लोग जब ब्लॉग शुरू करके दिखाएंगे आपको, तो आपको बीच में बता देंगे। फिर भी अगर किसी की कोई इंक्वायरीज या डिटेल्स हो, किसी ने बनवाना है, किसी को कोई ऑर्डर देना है, तो नीचे नंबर चल रहे होंगे, आप कॉल कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, बाकी आप इनके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो सर, हम करते हैं शुरू, साथ साथ में दिखाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ उससे अलग हुआ हुआ है, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आओ शुरू करते हैं निशान वंटन जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ਵੁਡਮਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੈਟਾਲੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖੋਲ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੈਂਡਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਨ 10 ਡੇਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ iOS ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਓਗੇ ਸਾਰੇ। तो दोस्तों, ये है हमारे पास निशान वंटन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? वैसे इसको आजकल कस्टम होने लग गया है, ऐसे ही है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, ऐसे ही है जी। तो सर, ये सबसे पहले तो मुझे ये बताया जाए कि ये ओरिजिनल वन है कि इसको मॉडिफाई किया हुआ है? नहीं, ये मॉडिफाई किया हुआ है, थार CRD पे मॉडिफाई किया हुआ है। हमारे पास ओरिजिनल भी मिल जाते हैं, बट कस्टमर का क्या होता है, थोड़ा लग्जरी फील लेने के लिए हमको ये थार पे बनाना पड़ता है, बिकॉज जो इसकी फील है चलाने की वो एक कार जैसी है भाई। वो जो हम ओरिजिनल लेते हैं उसकी थोड़ी ट्रक जैसी फील होती है, मतलब चलाने का डिफरेंस आ जाता है। तो भाई ने जैसे क्लियर किया भी ये पहले ओरिजिनल आते थे, तो अभी इसको हम लोगों ने इसका चेंज करने, अभी थार के ऊपर सर ने इसको प्रॉपर निशान वंटन बना दिया है। तो जैसे इसके आगे जोंगा लिखा है, लेकिन ये जोंगा नहीं है, जस्ट वैसे लिखा है इसका लोगो, तो बड़े निशान वंटन है। कलर इसका बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है। सबसे पहले कलर की ही बात कर लें तो ये क्रिस्टल पेंट सर ने किया है, आप देख सकते हैं शाइन कर रहा होगा। सर, इस पेंट को फिर क्या बोलते हैं आप? ये मेटैलिक कलर है ये, ओके। जो इसके मेटैलिक के ऊपर पर्ल किया हुआ है ये कलर, ओके। और इसको फिर हमने जो ऊपर से है लेमिनेशन की तरह किया हुआ, मतलब मेटैलिक कलर किया हुआ है, और बीच में जो इसके है जैसे मस्टैंग में जो पट्टी आती है सेम वैसे ही कस्टमर की डिमांड पे हमने ये कर दिया इसको। मतलब वैसे आपने जैसे की कस्टमर की लुक रहती है वैसे ही आप लोग डिमांड करते रहते हैं। तो भाई, इसके आगे से बात करें तो ये फ्रंट में इसके बम्पर एक लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं इसको मेटल बम्पर हम लोग बोल सकते हैं। रैप्टर कोटिंग के साथ है, इसको रैप्टर कोटिंग की हुई है, और 8000 LBS की इसको विंच लगी हुई है। ये विंच का वैसे काम क्या होता है कि जब गाड़ी कहीं फंस जाती है तो ये क्या आप इसको चला के निकाल सकते हैं गाड़ी को कहीं भी। आगे इसके प्रॉपर इसके रूफ वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ये विद वायर है, वैसे रूफ वाली भी आती है। और बम्पर के बीच में आप देख सकते हैं LED लाइट्स जो है आपको मिल जाएंगी विद रिंग जो लगी हुई है। तो ऊपर भी देखा जाए तो यहाँ पे भी सर ने इसके LED लाइट्स जो है दे दी गई है, जो आजकल की ट्रेंड के हिसाब से। वैसे इसकी लाइट और तरह की आती थी ना? हाँ जी, हाँ जी, वैसे और तरह की आती थी, बट इसको जैसे न्यू जनरेशन की तरह हमने LED फिटेड कर दी है। LED फिटेड कर दी, वो भी टाइम के हिसाब से मेरे हिसाब से चेंज होना पड़ता है, इसलिए सब लोग हो जाते हैं। बात की जाए सस्पेंशन की, तो ओरिजिनल सस्पेंशन ही रखी गई है थार की, जो आती थी। आप लोगों को भी कम्फर्ट का तो मेरे को फिर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थार में बहुत कम्फर्ट होता है। तो इन्होंने मैकेनिकल लाइन आपने बिल्कुल नहीं छेड़ी है, मैकेनिकल लाइन वही रखी है। CRD इसके अंदर इंजन है ना, जो आता था महिंद्रा का ब्लेरो, तो CRD इसके अंदर इंजन है भाई, वो थार के अंदर आता है, वो सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। और इसकी अभी साइड से बात की जाए तो इसके ऊपर जस्ट वैसे ही एक एयर सिलेंडर दिया हुआ है, वर्किंग में नहीं है, ये डमी लगाया गया है। और इसका टायर साइज है फिर वो भाई कौन सा डाला है आपने? इसमें 35 इंच का 9 इंच का टायर डाला हुआ है हमने। अच्छा, 35, मतलब इससे बड़ा टायर मेरे हिसाब से इसको नहीं डलता है, बेस्ट रहता है, पैटेबल रहता है। तो बाकी भाई हम बात करें, इसके ऊपर भी बार लाइट लगी हुई है, इसको डबल शीशा किया हुआ है, मतलब इसको डबल विंडशीट बोल सकते हैं। और वाइपर्स वगैरह फैसिलिटी सारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और बात की जाए अब इसकी साइड से, तो साइड से भाई इसकी ये लुक आती है सारी की सारी, जो कि बहुत ही अच्छी लुक है।
तो इसके साथ ही आपने सर कलर के साथ इसको कॉम्बिनेशन किया हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। जो इसके रिंग्स है वो हमने रिंग्स में ऑरेंज शेड दिया हुआ है। तो बाकी भाई एक बात और बता दूं जो आपको सबसे अट्रैक्टिव लग रही होगी, इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज वो बाहर की लगी हुई है ना, जैसे कि लोगों ने, कई लोगों ने पहचान लिया होगा, ये ट्रक के मिरर्स आते हैं वहाँ पे जो कि इसको लगाए गए हैं। अभी थोड़े वर्किंग में नहीं है क्योंकि थोड़ा इसका काम रहता था, तो मैं आज आया था तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसका भी व्लॉग बना लूं। तो ये सारे के सारे मिरर्स जो ट्रक्स वाले होते हैं वो इसको लगाए गए हैं, काफी बड़े हैं, फर्स्ट टाइम किसी निशान वन टन को जो है ये मिरर लगे हैं। और इसके जो एंटीने हैं तो वो भी कुछ स्पेशल है, आप देख सकते हैं ये भी बाहर से ही आए हैं। तो वैसे आई थिंक जिसने बनवाया वो भी बाहर से है। जी हाँ जी, वो यूएसए से है, जो ब्रदर है वो, उन्होंने यूएसए से ऑर्डर दिया था, तो उनका गाड़ी जो है अब रेडी हो चुका है, वो कल हमारे पास यहाँ पहुंच जाएंगे और उनको गाड़ी ये हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, कल करनी है, ठीक है। एलए से है, यूएसए से वो। क्या बात है, क्या बात है। वैसे बाहर वालों की ही डिमांड होती है इन चीजों की, यहाँ वाले बंदे तो इतने पैसे भी नहीं खर्चते हैं। तो बाकी भाई इसके थोड़े से फुटरेस्ट भी अलग तरीके से बने हैं, आप देख सकते हैं थोड़े से अलग तरीके से फुटरेस्ट, मेटल के ही बने हैं ये, मतलब आम नहीं है। तो इसको साइड से प्रॉपर बनाया गया और ये 5 सीटर बनाया गया, वैसे 2 सीटर आता था, ठीक है, जो पहले आता था ना। तो इसको भी बैक से बात की जाए तो ये इसकी सारी बैक लुक आती है। तो इसमें डीजल टैंक वगैरह की फैसिलिटी है और सस्पेंशन आप नीचे से भी देख सकते हैं, प्रॉपर सारा इसका काम हुआ है, प्रॉपर इसको पेंट किया गया सारे को। और इसमें कुछ अलग भी ये क्या है कि इसमें एक्सेसरी लगाई गई है जो कि आप लोगों को वैसे देखने के लिए नहीं मिलेगी, रैप्टर कोटिंग के साथ है। और ये इसका जो एंटीना है वैसे ये पूरा का पूरा आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि पूरा मूवेबल है, कोई इशू नहीं है। और इसका जो टायर है ऑलवेज आप लोगों ने देखा होगा कि ये नीचे होता था, आप लोगों ने इसका स्टैंड ऊपर को कर दिया, टेपर कर दिया, बिकॉज कस्टमर की चॉइस थी कि मुझे ऐसे टायर चाहिए, तो ये पीछे से उठा के थोड़ा टेपर कर दिया, ना। मतलब मैं भी ये चीज नोट कर रहा था, पीछे भी स्टपनी दी गई, एक प्रॉपर टायर माउंट दिया गया है, पीछे लाइट लगी है, निशान का लोगो लगा हुआ है और ये LED लाइट्स जो हैं वो इसमें दी गई हैं। और ये साथ में इसके आप बोल सकते हैं कि ये ये कौन सी गाड़ी की आपने यूज़ की है? ये जो आती है थार में भी लग जाती है, रैंगलर में भी लगा देते हैं, ये इसी के साथ ये LED टेल लाइट है जो वो लगा दी है, इसको लगा दी। ओके, और बॉल हुक इसमें दी है जो कि है डबल एग्जॉस्ट है भाई, आप लोग देख सकते हैं डबल एग्जॉस्ट इसमें लगा है, डबल एग्जॉस्ट इसमें लगाया गया है। और साइड से इसकी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लुक है, ये ऑरेंज कलर इसको हम लोग बोल सकते हैं वैसे। हाँ जी, हाँ जी, ऑरेंज मेटालिक कलर, ऑरेंज कलर इसको बोल सकते हैं। तो बाकी इसके ऊपर चढ़ने के लिए सर ने एक लाइक छोटी पौड़ी भी दी है, डमी है कि वर्किंग है? वैसे वर्किंग में है, ऊपर लगेज वगैरह रखना है कुछ वो आप कैरी कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर सर ने एक प्रॉपर इसके देख सकते हैं आप, आपको दिख गया होगा सनरूफ भी लगी है और साथ में इसके प्रॉपर आपने एक पाइप भी लगाया जस्ट। तो बाकी भाई ये सारी इसका बाहर से सारी की सारी जो लुक है आप लोगों ने देखी भी है, बाहर से ऐसी इसकी लुक आती है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने इसके रनिंग के शॉट्स भी देखे होंगे, चलने में भी बहुत जबरदस्त है, कंफर्ट है, पिकअप प्रॉपर है इसकी, कोई दबता नहीं है। और ये 4x4 है जो मेन चीज है ना, वैसे लोग 2 व्हील ही बनाते हैं पर आपने ये 4 व्हील दिया है ना। तो दोस्तों अब बात की जाए इसके अंदर की, अंदर में से देखने के लिए कैसे है, तो आप लोगों को अभी अंदर से भी दिखाते हैं हम लोग। तो पहले सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसमें जैसे हम इसकी विंडो खोलते हैं तो विंडो बहुत हैवी है, मेरे हिसाब से आपने डैम्पिंग की है इसमें, अंदर से पूरी डैम्पिंग की हुई है क्योंकि वो इसकी आवाज से पता चल गया मुझे। ये देखो आप, हैवी आवाज है तो ये मतलब बारी खड़क नहीं रहा है, इसकी डैम्पिंग की हुई है। डैम्पिंग जो है वो भी आप लोगों को जिन लोगों को नहीं पता है तो मेरे को जरूर मैसेज करना, मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैंने डाले हुए व्लॉग भी। और अंदर में इसका आपने ऑरेंज के साथ ब्राउन कॉम्बिनेशन किया, इसका कॉफी कलर का कस्टमर की डिमांड थी तो हमने कॉफी के साथ ऑरेंज रखा है, ऑरेंज रखा है। पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, वो सारा कुछ इसमें है जो आता ही है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं यूज की गई है, नॉर्मली सीट्स ही यूज की गई है, पर लेकिन बकेट्स के साथ सीट्स हैं। आप देख सकते हैं कि जोंगे का प्रॉपर लोगो लगे हुए हैं सारे के सारे, बहुत ही अच्छा अंदर से इंटीरियर इसका तैयार किया गया, स्टेयरिंग प्रॉपर इसका रैप किया गया जैसे कि आजकल लग्जरी गाड़ियों में आता है। और मीटर्स वगैरह जो है डैशबोर्ड सारा वो थार का ही यूज किया गया है, मोस्टली इसमें थार का ही यूज होता है क्योंकि अच्छा लगता है। और डैशबोर्ड को भी आप लोग देख सकते हैं कि लेदर रैप्ड है, कि मतलब इसको नॉर्मली पेंटेड नहीं है, ये लेदर रैप्ड इन लोगों ने इसको रैप किया हुआ है प्रॉपर डैशबोर्ड को सारे को, आप देख सकते हैं। और इसकी जो चाबी वगैरह वो भी आप देख सकते हैं, ये सारी चाबी जो आती है ऑटो चाबी है सारी। और इसमें एक बड़ी सनरूफ दी गई है जो कि आम सनरूफ से काफी बड़ी है, मुझे पता नहीं है कौन सी गाड़ी की लगाई लेकिन ये काफी अच्छी इसमें लग रही है। और ये प्रॉपर वर्किंग में चलती है सारी की सारी। चलो मैं ज्यादा नहीं खोलता हूँ क्योंकि हम लोगों ने वीडियो के लिए ही आप लोगों को दिखानी है। और अंदर से इसका तो दोस्तों इसमें 4x4 का लीवर है, ये वाला छोटा, ये दूसरा लीवर है नॉर्मली, इसको भी सर लोगों ने सारा का सारा इसको रैप किया हुआ है, लेदर रैप्ड किया हुआ है सारा, डैशबोर्ड लेदर रैप किया हुआ है, हैंड ब्रेक वगैरह सारी इसमें फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती है। अंदर से इसका काफी अच्छा इंटीरियर बनाया गया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें ऑरेंज पाइपिंग डाल के ना,
बहुत ही यूनिक सा लगा मुझे भी, डिफरेंट है वैसे, नई चीज थी तो हमने सोचा चलो इसमें ट्राई करते हैं। नहीं अच्छी चीज की, और पीछे से भी बात करें सेम, इसमें पीछे भी ऐसे इंटीरियर है, पीछे से भी आप अपनी विंडो खोल सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, मिरर जो है, और ये एक अलग ही चीज, आई थिंक ये स्टैंड है, ये लैपटॉप डेस्क है। ओके, आप लैपटॉप डेस्क कुछ भी मतलब खाने वाले में आपको ये यूज करके दिखाता हूं। वो क्या बात है, मतलब कि हाँ यहाँ पे लैपटॉप वगैरह आप रख के अपना काम कर सकते हैं इजीली, यहाँ से साइड से निकल जाती है, ये बहुत अच्छी चीज है, कुछ रखनी है ये तो मुझे लग रहा है बाहर की एक्सेसरी आप लोगों ने लगा के लाई है कहीं से, पर ये बाहर की एक्सेसरी नीचे इसके प्रॉपर मैटिंग वगैरह, इसके सारी सारी मैटिंग हुई हुई है, आप 7 days में सारी मैटिंग है, और पिछली सीट्स हैं प्रॉपर, इसमें बड़ी वाली सीट्स हैं, और बीच में इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा यहाँ पे विद, और काफी अच्छी है इसकी जो रूफ है वो भी काफी अच्छी बनाई गई है, आप लोग देख सकते हैं मतलब कि काफी अच्छा इसका जो इंटीरियर है वो किया गया है, और एक बड़ा पीछे आप लोगों को मिरर मिल जाएगा, और काफी अच्छा मुझे इसका इंटीरियर लगा जो कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है विद, मतलब ये डैश कैम इसमें यूज होता है, लाइक ये आम मिरर नहीं है, आप देख सकते हैं पीछे वाला बड़ा लगा है, इसके ऊपर इन लोगों ने लगा दिया है, इसमें डैश कैम की फैसिलिटी भी है, सारा कुछ आपको इस चीज में मिलता है। तो और दोस्तों ये था इसका सारा का सारा इंटीरियर, तो मेरे हिसाब से हमारी डिग्गी रह गई दिखाने वाली। अच्छा इसकी डिग्गी आप लोगों ने अंदर से खोलने के लिए की हुई है, क्या बात है, मतलब वैसे वो बाहर से खुलती है ना मोस्टली, ओ क्या बात है, उसकी डिग्गी भी आप लोगों ने आजकल मतलब इसको कर दिया अल्टर करके प्रॉपर, इसको मैटिंग वगैरह कर दी सारी की सारी, तो इसमें सर ने आप प्लेयर वगैरह भी लगाए हुए हैं, मतलब लाइक आप देख सकते हैं बूफर लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा इसका इंटीरियर है, तो ये ऊपर से भी खुल जाता है? नहीं ये ऊपर से नहीं खुलता, बिकॉज़ अच्छा आप लोगों ने इसको बंद कर दिया, वैसे मोस्टली खुल भी जाता है दूसरों वालों का, तो भाई ये सारा का सारा आप लोगों ने देखा निशान वन टन, ये सारा का सारा देखा आपने निशान वन टन जो कि तैयार हुआ हुआ है अपने जीप डॉक्टर ने किया है। तो सर अभी कुछ चीजें मुझे रह गई, ये बता दो कि जैसे किसी ने ये बनवाना है तो उसको कितना टाइम लगता है? ये आफ्टर बुकिंग 3 months का टाइम पीरियड है जिसका, आफ्टर बुकिंग 3 months, हाँ जी, जो ओरिजिनल होता है उसका 6 months का टाइम पीरियड है। ओके हाँ जी, तो सर इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है, लाइक आप सारी गाड़ी आप खुद ही लेके सारा कुछ करते हो कि जहाँ लाइक कस्टमर को देना पड़ता है कुछ? वो खुद की चॉइस है, अगर वो खुद देना चाहते हैं तो गाड़ी वो खुद भी दे सकते हैं। ओके, अदरवाइज हमारे पास होता है सब कुछ। तो ये गाड़ी कितने में पड़ी इस टाइम रेडी? ये गाड़ी इसके 70 lakh 17 lakh के आसपास ये पड़ गई। तो जो ओरिजिनल वंटन है वो कितने में मिल जाता है बड़े टायरों वाले पास? वो 1 lakh और महंगा। हाँ जी भाई, अच्छी चीज है। तो इसमें गारंटी वारंटी भी होती है कोई? हाँ जी हाँ जी, फुल गारंटी है जी हमारी। क्या क्या गारंटी में क्या क्या आ जाता है? गारंटी में सारा कुछ ही है, टायर का हो गया जी, इंटीरियर में आगे कुछ पेंट का हो गया जी। ओके, मैकेनिकल लाइन तक की भी होती है? हाँ जी हाँ जी, सारा कुछ ही आ जाता है। ऐसी की सारा की सारी इंक्वायरी, आई नो कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं दे पाए होंगे, कुछ चीजें मिस भी होगी, आप लोगों के सारे क्वेश्चनों के जवाब नहीं दे पाया, उसका एक रीजन भी है कि आप सर को करना कॉल, और सर को कॉल करके करना थोड़ा सा तंग कि भाई हमें ये चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, तो ये मंडी डब वाली में है, और भी सर के मैंने ब्लॉग डाले हुए जैसे कि जीप रैंगलर भी सर लोग बना के देते हैं, मतलब तो किसी टाइप की भी आपको कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन कुछ भी तैयार करवाना है तो सर करके देते हैं, तो आप उसके लिए आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर्स चल रहे हैं। तो सर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपना एड्रेस और अपने नंबर्स बोल दो। ये हमारा मंडी डब वाली डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जो वर्कशॉप है हमारा जीप डॉक्टर्स के नाम से, हमारे पास यहाँ पर वन टन निशान वन टन हो गया, जो जोंगा हो गए, जीप्स हो गई, और रेंगुलर टाइप की हम मॉडिफिकेशन करते हैं। और सर अगर किसी ने ऑर्डर बुक करना है तो वो क्या सिस्टम होता है? ऑर्डर का ऐसे होता है जितने भी गाड़ी का अमाउंट है उसे हाफ पेमेंट हम लेंगे। okay. और हाफ पेमेंट लेंगे डिलीवरी टाइम पे, डिलीवरी टाइम पे। तो बाकी भाई किसी की कोई भी इंक्वायरीज हो तो आप सर को कॉल कर लेना, तो ज्यादा डिटेल आपको सर ही देंगे। किसी टाइप की भी गाड़ी तैयार करनी है जरूर इस सर को कॉन्टेक्ट किया जाए, और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा और भी ऐसे ब्लॉग चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस ब्लॉग, तो थैंक यू सर आपने इतनी अच्छी चीज तैयार की और मेरे थ्रू वो व्यूवर्स को देखने के लिए मिल रही है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं और ऐसे नए ब्लॉग लेके।